तो आतंकवाद पर अमेरिका की नसीहत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ था उससे पाकिस्तान को इतना गुस्सा आया है कि वो अब गीदड़ भभकी तक पर उतर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को बुलवाकर इस पूरे मामले में नोटिस मांगा है। आपको बताएं, संयुक्त बयान में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए बेस के तौर पर नहीं हो। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को इसी बयान से मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने इस बयान को कूटनीति की शर्तों के खिलाफ बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आरोपों को बढ़ावा देते हैं। तो संयुक्त बयान एक तरफा है, भ्रामक है कहना पाकिस्तान का। भारत अमेरिका की दोस्ती से डरा हुआ सा पाकिस्तान नजर आता है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि आतंक को पालने का खेल शायद लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। मोदी बाइडेन के संयुक्त बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि अब वो अमेरिका को आंख दिखाने लगा। पाकिस्तान ने संयुक्त बयान को आधारहीन करार दिया है। भ्रामक बताते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब कर आपको बता दें कि दिमाश मांगा है। पाकिस्तान का कहना है कि जो बयान अमेरिका ने दिया है वो भारत के आरोपों को बढ़ावा देने जैसा है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान को उसकी असलियत याद दिलाते हुए आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए फिर से कह दिया है। तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों को काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो आतंकिस्तान ने अमेरिका को कैसे आंख दिखाई? 22 जून को भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर डिमार्श मांगा गया है। आपको बताएं, भारत अमेरिका का संयुक्त बयान एक तरफा है, अनुचित और भ्रामक है। अमेरिका को पाकिस्तानी चिंताओं के बारे में बताया। साथ ही अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए। आतंकिस्तान ने आंख दिखाई अमेरिका को। अमेरिका का बयान भारत के आरोपों को बढ़ावा देने जैसा है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर। प्रणय, जिस तरह से पाकिस्तान की ये बौखलाहट देखने को मिली है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, स्वाभाविक है? देखिए, स्वाभाविक है, पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का बयान भारत के साथ दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा के बाद में जिस तरीके से संयुक्त बयान के अंदर पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े किए गए, वैश्विक शांति को लेकर अड़चन वाले जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर कहा गया, और जाहिर तौर पर जिस तरीके की करीबी नजदीकी देखने को मिली, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की चिंताएं परेशानियां भी हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर आप देखें अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, उसके अंदर स्पष्ट रूप से इस चीज को लेकर उल्लेख किया गया है कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों में हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से पुख्ता कार्रवाई करनी होगी। लश्करे तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, या उससे जुड़े हुए जो तमाम पूरा टेरर नेटवर्क के ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बयान आप देखें कि ये अमेरिका की तरफ से क्यों दिया गया, क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 26/11 के आतंकी हमले के अंदर मारे गए अमेरिकी नागरिकों से लेकर आज तक देखें आप, इसके पहले डेनियल पर्ल जो कि जर्नलिस्ट थे उनकी मौत हुई, जो कि अमेरिका के ही नागरिक थे और पाकिस्तान के अंदर हुई। और इस तरीके से अगर आप देखें तो अमेरिका खुद भी पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। बिल्कुल प्रणय, हम लौट रहे हैं आपके पास इस बड़ी खबर पर। प्रणय उपाध्याय लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रणय से कुछ और इनपुट लेंगे। बहरहाल, आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से तुरंत आतंकी संगठनों पर रोक लगाने के लिए कह दिया, और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान तुरंत लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। पीएम मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां आतंकवाद पर उन्होंने साफ कहा था कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका के साथ मिलकर इसका खात्मा करेंगे। तो ये बड़ी बातें सामने आई थी। We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials, and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. प्रणय, सीधे सपाट शब्दों में हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि पाकिस्तान को एक आखिरी वार्निंग है कि तुरंत प्रभाव के साथ आतंकी संगठनों को रोका जाए, उन पर रोक लगाई जाए।
बिल्कुल, और पाकिस्तान इस चीज को जानता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम की तरह है, लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि उसका नुकसान कितना है। बड़ी समस्या ये है कि ये पाकिस्तान की भी काबू में नहीं है, पाकिस्तान ने जो आतंक के राक्षस खड़े किए हैं अब वो उसके भी पूरी तरह से काबू में नहीं है और उसके घाव वो खुद भी झेल रहा है और भारत को उसके कारण जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है अब ये पूरी दुनिया जानती है। हमें ध्यान है कि 2001 से पहले भारत जब हर बार दुनिया को याद दिलाता था कि आतंक के मामले के ऊपर भेदभाव नहीं हो सकता, कोई गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन आतंक का या कहा जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन से निकले हुए आतंकवाद का जो घाव है वो अमेरिका ने भी झेला, भारत ने तो कई बार झेला, और उसके बाद से अब अमेरिका अच्छी तरह से इस चीज को जानता है, समझता है कि पाकिस्तान के अंदर फैलने वाला पनपने वाला जो आतंक का नेटवर्क है पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब है। वहां से जिस तरीके से नार्को टेररिज्म चलता है लगातार भारत उसको सीमा पर झेलता रहता है, चाहे पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए नशीले पदार्थों या नार्कोटिक्स की सप्लाई हो, हथियारों का जखीरा हो, या कश्मीर के अंदर आतंक की आग को सुलगाने की जो तमाम कोशिशें हैं। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहना कि आतंक के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता, एक दूसरी बात जिस बयान के अंदर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जिस बयान का जिक्र हमने अभी जी न्यूज के दर्शकों के सामने किया, ठीक, उस बयान के सबसे बड़ी बात यह है कि दो टूक साफ कर दिया गया है, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति हिंदुस्तान की रही है वो हर मंच पर साफ हुई है, और इस दौरे के बाद से ये एक और सीधा संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया। धन्यवाद आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।